ब्रॉट टू यू बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। द एक्टिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, पार्टिसिपेट रिस्पॉन्सिबली। यहाँ पर मनु भाकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य स्वागत उनका हो रहा है। लोगों ने उनको कंधे पर उठा लिया है, माला डाल दी है और फूलों से एक शानदार तरीके से स्वागत हो रहा है पेरिस ओलंपिक की मेडलिस्ट मनु भाकर का, जिन्होंने पेरिस में तो एक नहीं दो दो मेडल इंडिया के नाम किए थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे फैमिली मेंबर्स, गांव के लोग और यहां पर उनके एकेडमी के लोग जहां पर वो शूटिंग की प्रैक्टिस करती हैं, सब यहां पर एकत्रित हैं। और आप देख सकते हैं मनु के साथ साथ उनके कोच जसपाल राणा भी नजर आ रहे हैं। एक बड़े माला से उनकी स्वागत की गई है और शानदार तरीके से मनु का स्वागत किया जा रहा है। हमारी मेडलिस्ट मनु भाकर का, जिस तरह से मनु भाकर आई है, आप देख सकती है कि किस तरह से लोग यहाँ पे जमा है। बारिश, यहाँ पर भगवान भी उनको आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर मेडलिस्ट आ चुकी है मनु भाकर और फूलों से उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। मनु साथ साथ उनके कोच जसपाल राणा भी नजर आ रहे हैं। मनु की शुरुआत 16 साल की उम्र में हुई थी जब उन्होंने शूटिंग की शुरुआत की थी। 2018 में उन्होंने किस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था 16 साल की उम्र में। और केवल शूटिंग नहीं, बाकी चीजें भी मनु करना जानती हैं। और यहाँ पर मेडल के साथ इंडिया वापस आई हैं मनु भाकर। आप देख सकते हैं उनके उनके हाथ में वो मेडल नजर आ रहा है। और जी हाँ, यहाँ पे सारे गाँव के लोग यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं पूरे गांव के लोग यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में हम मनु को पास लेके आएंगे और देखेंगे किस तरह से वो नजर आ रही हैं। अभी आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर आपको T3 एयरपोर्ट से आ रही है। मनु दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पे जसपाल राणा क्राउड को वेव कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मनु आ चुकी है। तो देखा किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ चली है और मनु आ चुकी है, मेडल दिखा रही थी। मनु किस तरह से पूरे लोग यहाँ पर मनु के शानदार स्वागत के लिए हैं और भगवान भी जो है उन्होंने भी शानदार तरीके से मनु का स्वागत किया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर विजुअल्स है। मनु आपको नजर आ रही है ऊपर अपने मेडल के साथ और बहुत ज्यादा खुश है घर वापस आकर। और इंतजार है कि किस तरह से, जी हाँ, आप देख सकते हैं कि पेरिस के दोनों मेडल्स उनके कंधे पे हैं, गले के आसपास है और बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है मनु। और आप देख सकते हैं किस तरह से शानदार तरीके से मनु का स्वागत T3 एयरपोर्ट पे हुआ है। और अब सीधा आज मनु की मुलाकात स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी होने वाली है शाम में, दोपहर में, और वहाँ के भी विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से मनु अब यहाँ से रवाना हो रही हैं और लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है यहाँ पर मनु को लेकर। और माता पिता उनको लेने आए थे और लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है, उत्साहित है मनु को लेकर। और पेरिस से दो ओलंपिक मेडल के साथ वापस आई है मनु। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मनु का स्वागत T3 एयरपोर्ट पे हुआ है शानदार तरीके से। और उनके साथ आप देख सकते हैं कोच जसपाल राणा भी है। पेरिस ओलंपिक में शानदार तरीके से उन्होंने दो मेडल जीता था। आज दोपहर में स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ जो है उनकी मुलाकात है। और यहाँ पर उसके बाद जो है ये भी कहा जा रहा है कि मनु जो है देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 15 अगस्त के टाइम पर जितने भी मेडलिस्ट हैं सारे वहां पर मौजूद रहेंगे। मनु आपको बता दें क्लोजिंग सेरेमनी के लिए इंडिया के फ्लैग बेरर भी हैं और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा खुश है मनु घर वापस आकर। वहां पेरिस में एक चीज जो मनु ने सबसे ज्यादा मिस की थी वो थे घर के खाने की। और यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि घर का चूरमा और आलू पराठा आकर वो खाएंगी। फादर ने हमें बताया, उनके पिताजी ने, कि चूरमा तैयार है लेकिन माँ के हाथ के गर्मा गर्म आलू पराठे के लिए अब मनु
घर जाएंगी जिस तरह से माता जी ने हमें बताया था कि घर जाते ही सबसे पहले वो उन्हें आलू पराठा परोसेंगी। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।